आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर कम करने के लिए सरकार और तेल कंपनियां हर संभव कदम उठा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक देश के शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रूस से भारी छूट के साथ कच्चे तेल की खरीद की है। सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनी ने एक ट्रेडर के माध्यम से 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि रूस ने इस डील पर $20 से $25 प्रति बैरल तक की छूट दी है। रूस यूक्रेन संकट पर अमेरिका और यूरोप के द्वारा रूस पर कच्चे तेल को लेकर लगे प्रतिबंधों के बाद भारतीय तेल कंपनियों के द्वारा ये पहली खरीद है। सूत्रों की माने तो तेल कंपनियों ने इस डील में कोई प्रतिबंध नहीं तोड़ा है। सूत्रों ने कहा है कि देश के शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जिसे रूस ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दरों पर भारी छूट पर पेश किया था। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि IOC ने मई डिलीवरी के लिए यूराल क्रूड को ब्रेंट पर उस तारीख की कीमत के मुकाबले $20 से $25 प्रति बैरल की छूट पर खरीदा है। दरअसल अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने जैसे ही मॉस्को पर प्रतिबंध लगाए, रूस ने भारत और अन्य बड़े आयातकों को रियायती कीमतों पर तेल और अन्य वस्तुओं की पेशकश शुरू कर दी। इसके साथ ही रूस ने भारत को उनके तेल और गैस क्षेत्र में निवेश की भी पेशकश की है। सूत्रों की माने तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने संशोधित शर्तों पर खरीदारी की, जिसमें क्रूड को विक्रेता सीधे भारतीय पोर्ट पर डिलीवरी करेगा, जिससे शिपिंग और बीमा की व्यवस्था में प्रतिबंधों के कारण किसी भी जटिलता से बचा जा सके। सूत्रों ने साफ किया है कि इस कदम से प्रतिबंधों का कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। अपने विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के विपरीत रूस के साथ तेल और ऊर्जा व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सूत्र ने कहा है कि इसका मतलब है कि रूस से की गई किसी भी खरीद के भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली उपलब्ध है। सूत्रों ने साफ किया है कि ईरान के मामले में ऐसा नहीं था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय धन और सुरक्षा हस्तांतरण प्रणाली स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था। साथ ही ईरान से तेल का निवेश करने या खरीदने वाली कंपनियों या संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत, जो अपनी तेल की जरूरतों का 85% आयात करता है, सस्ती दरों पर कहीं से भी खरीद के माध्यम से बढ़ते ऊर्जा बिल में कटौती करना चाहता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि देश तेल की ऊंची कीमतों से सुरक्षा के लिए आवश्यक बीमा और माल ढुलाई जैसे पहलुओं पर विचार करने के बाद रियायती कीमतों पर कच्चे तेल को बेचने के रूसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। उन्होंने कहा था कि पिछले 2 वर्षों में महामारी की स्थिति में और पिछले कुछ हफ्तों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध या सैन्य कार्रवाई के बीच सरकार सभी विकल्पों का पता लगाएगी जो उपलब्ध हैं। मंत्री जी ने जानकारी दी थी कि उन्होंने रूसी सरकार के अधिकारियों से इस मामले में चर्चा भी की है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।